today we'll see how to take care of orchid plant. As you see, plant almost 1.5 साल पुराना है. इसमें हमेशा फूल रहते ही हैं अभी तक, तो जब से ये प्लांट में लगाए गए हैं. अभी आप देख सकते हैं ये पहले दो स्टेम्स थे जहाँ पे फ्लावर्स खिले थे. ये तीसरा, दिस इज फोर्थ वन, फिफ्थ, सिक्स एंड दिस आर सेवन्थ एंड एट्थ. तो साल में ये आठवां ट्विग गया है जिसपे अभी फ्लावर्स आ रहे हैं. और ये फ्लावर्स एक बार खिलने के बाद 1.5-2 महीना तक रहते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं जब ये ट्विग खिल जाते हैं. अभी तक हमेशा एक ही ट्विग रहती थी, ये पहली बार है कि ये दो अलग अलग प्लांट्स पे एक साथ अभी फ्लावर ब्लूम करेंगे. इन दिस प्लांट 2-3 लीव्स आर ऑलरेडी रोटेड. And this is due to the excessive heat of the sun, because I left this plant in the sunlight and orchid doesn't like any sunlight. So it should be kept in the shady place or in dark place, so it will be healthy plant. So I will cut this leaf which is rotten now, and this is already decayed. Yes, you can see the tissue is decayed and it will also attract bacteria, so I will cut this leaf. You can cut like this, you can have a sharp scissor. And you can cut all the rotten part, and you have to cut these leaves also. I will cut from this healthier part, and same way for the third leaf. So just all the leaves are fine. I think all are healthy. So a bit rotten, but I think it can be covered. Or if it decays more, I will cut this also. और चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारा ऑर्किड अच्छी तरह ग्रो कर पाए. पहला कि इसको पानी कैसे देना, इसको इसके जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इसके भी फ्लावर्स ब्लूम करेंगे. एक ये कॉर्ड है एक यहाँ पे, सो दे आर ग्रोइंग. तो हमें इन पे डायरेक्टली पानी नहीं डालना, पे यहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है, तो जिससे ये लीव्स डिके हो सकते हैं. तो हमेशा हमें किसी ग्लास या कप से पानी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं डायरेक्टली. और दूसरा मेथड है कि एक पकड़ लीजिए, उसमें पानी डालिए और इस प्लांट को उसमें 15 मिनट के लिए रख लें. और आप देख सकते हैं इस प्लांट में हम बिल्कुल भी कंपोस्ट और मिट्टी वगैरह नहीं यूज़ करते, क्योंकि इस प्लांट फॉरेस्ट एरिया वगैरह में ये ट्री के बाक्स पे उगता है, ये मिट्टी में नहीं होता. तो किसी तरह का कोई सॉयल या कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र हम नहीं यूज़ करते. तो ये कोकोनट है जिसके बीच में ये उगाया गया है ताकि इसकी रूट्स को काफ़ी एयर मिल सके, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से पानी अब्जॉर्ब करती है. तो 15 मिनट रखने के बाद आप इसे निकाल सकते हैं. और इस पौधे को हमेशा एक कोई शेडी प्लेस पे ही रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि इसके लीव्स बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. ये एक डंडोरियम ऑर्किड है जिसके पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं. तो अभी आप देख सकते हैं अगर हमें इसे क्लीन करना है इसको, इस प्लांट को, इसमें बहुत सारी डस्ट है लीव्स पे, तो ये ख़राब कर देगी लीव्स को. तो उसको हम डायरेक्टली पानी स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इस पोजीशन इस जगह पे पानी
रुक जाता है, जैसे लीफ डिके हो सकता है, तो उसको क्लीन करने का तरीका है कि आप कॉटन ले सकते हैं, कॉटन को पानी में भिगोएं, उसको मॉइस्ट कर लें, और उसको उसके बाद आप उस कॉटन से के पत्ते क्लीन कर सकते हैं ताकि सारी डस्ट उतर जाए। ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है कि वो लीव्स पे रुका रहे या उसके इस लोकेशन पे वो जमा हो जाए, इससे सारी लीव्स ख़राब हो सकती हैं। तो आप इस तरह से ये ईजिली लीव्स को, उसके डस्ट को क्लीन कर सकते हैं। कुछ स्लाइटली ऐसे पकने नीचे से लीव और ऊपर से ऐसे क्लीन कर, आप इसकी ये जो ट्विग है, फ्लावरिंग ट्विग है, इसको बेहतर होगा कि ना ही क्लीन करें या छेड़ें, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल होती है, ये टूट सकती है। तो जस्ट इसके लीव्स थोड़े से हार्ड होते हैं, तो आप उस पर आराम से ये ऐसे क्लीन कर सकते हैं।